आपने मूवीज में देखा होगा कि शार्क्स ह्यूमन ब्लड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? इस चीज को जानने के लिए मार्क रॉबर्ट नाम के यूट्यूब चैनल ने एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो मरी हुई मछलियों को ब्लेंडर मशीन में पीसते हैं और फिर इसके ब्लड को अलग कर लेते हैं, और साथ ही ह्यूमन ब्लड भी मंगवाया गया। सेफ्टी के लिए ये लोग एक पिंजरा भी मंगवाते हैं ताकि शार्क जब इंसानों पर अटैक करे तो इंसानों को इससे कोई भी खतरा ना हो। इस मंदिर में जाकर एक तरफ ह्यूमन ब्लड को और दूसरी तरफ फिश ब्लड को सेम क्वांटिटी में छोड़ा गया, लेकिन जो ज्यादा शार्क थे वो फिश ब्लड की तरफ जा रहे थे और ह्यूमन ब्लड की तरफ ना होने के बराबर शार्क्स जा रहे थे, जो कि आप लोग इस ग्राफ में भी देख सकते हो। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताइएगा।